इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर सब कुछ परफेक्ट है तो हमारा सिस्टम ऑन हो जाता है। उसके बाद डेट एंड टाइम को चेक कर लेता है। ऑन होने के बाद आपको बैकग्राउंड दिखने लगता है। हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके हम अंदर इनपुट करके अपना सारा प्रोसेस काम कर लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद है प्रोसीजर की हम लोग बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। डेस्कटॉप सिस्टम तो आपका ऑन हो गया और आपको डेस्कटॉप दिखने लगा। अगला क्वेश्चन है कि हम लोग बैकग्राउंड चेंज कैसे करेंगे डेस्कटॉप का। तो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना बहुत ईजी है। आप ब्लैंक डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया में माउस का राइट बटन आप क्लिक करिए। जैसे ही आप माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे आपके सामने पॉपअप मेनू डिस्प्ले होगा। आप उस पॉपअप मेनू में से आप पर्सनलाइज को क्लिक करिए जो सबसे नीचे विजिबल होगा। जैसे ही आप पर्सनलाइज को चूज करेंगे, आपने पर्सनलाइज को चूज कर लिया। पर्सनलाइज को चूज करने के बाद होगा क्या, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में से आप बैकग्राउंड को क्लिक करिएगा। जैसे ही आप बैकग्राउंड मेनू को क्लिक करेंगे आपके सामने जो हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे उसमें जो प्रीडिफाइंड बैकग्राउंड होंगे वह आपके सामने विजिबल हो जाएगा। आप उसमें से किसी भी बैकग्राउंड को चूज करिएगा, अप्लाई करेंगे तो बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। आप ये चाहते हैं हम किसी इमेज को चेंज करना चाहते हैं तो हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर है, तब उसके लिए आप जब बैकग्राउंड पे जाएंगे वहां आप ब्राउज करेंगे, आप अपने पिक्चर को ओपन करेंगे, पिक्चर ओपन हो जाएगा, उसके बाद उसको सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। सेम काम हम स्क्रीन सेवर के लिए भी करते हैं। जहां हमने बैकग्राउंड ऑप्शन चूज किया था वहां हम स्क्रीन सेवर को चूज कर लेंगे। अगला प्रोसीजर है कि हम सिस्टम को शट डाउन कैसे करते हैं। तो सिस्टम को शट डाउन करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले प्रॉपरली हम अपने सभी प्रोग्राम को क्लोज कर लेते हैं। प्रोग्राम को क्लोज करने के बाद हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करके शट डाउन मेनू में क्लिक करेंगे, हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। समझ में आया। कभी भी अपने कंप्यूटर को डायरेक्टली बंद नहीं करना चाहिए। ठीक, अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस की तरह से काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप डायरेक्टली कंप्यूटर से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरीके के होते हैं। एक होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक समय में एक ही यूजर वर्क कर सकता है। दूसरा होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक समय में कई सारे यूजर वर्क कर सकते हैं, जैसे लाइनक्स। एक होता है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, वर्क